करते हैं अगली खबर की ओर, जहां कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने काटा वरुण धवन का चालान। शूटिंग उन्नाव निवासी प्रमोद के नाम पर रजिस्टर्ड है बाइक का नंबर। यातायात विभाग ने वरुण धवन के दो और चालान किए हैं। पीरोड के बाद मॉल रोड पर भी बिना हेलमेट वरुण धवन ने बाइक चलाई। फर्जी नंबर प्लेट लगाने पर यातायात विभाग जारी करेगा नोटिस। यातायात विभाग वरुण धवन को जारी करेगा नोटिस। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीरोड के बाद माल रोड पर भी बिना हेलमेट वरुण धवन ने बाइक चलाई और जिसके बाद अब यातायात विभाग एक्टिव मोड में। यातायात विभाग ने वरुण धवन के दो और चालान किए हैं। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। फर्जी नंबर प्लेट लगाने पर यातायात विभाग अब एक्शन लेगा और यातायात विभाग वरुण धवन को नोटिस जारी करेगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दे रहे हैं, जहां पर अब ये एक्शन लिया जाएगा। कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने काटा वरुण धवन का चालान। और उन्नाव निवासी प्रमोद के नाम पर रजिस्टर्ड है बाइक का नंबर। और इसी खबर पर हमारे साथ सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ कानपुर। सुनील जी, वरुण धवन की बाइक चलाते हुए तस्वीर सामने आई थी और जिसके बाद अब यातायात विभाग ने यहाँ पर एक्शन लिया है। आखिर क्या शूटिंग के दौरान ये बाइक इस्तेमाल की गई थी, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, ये वरुण धवन की यहाँ पर एक बवाल फिल्म है, उसकी शूटिंग चल रही है। पिछले करीब 6 दिनों से शूटिंग लगातार यहाँ पे जारी है। तो जो शूटिंग है वो शहर के अलग अलग इलाकों में चल रही है, जिसमें अभी 3 दिन पहले पीरोड इलाके में इन्होंने शूटिंग की थी। उसके बाद जो शनिवार को ये शूटिंग कर रहे थे, वहां पर बड़ा चौराहा में जेड स्क्वायर से लेकर के माल रोड तक ये शूटिंग चल रही थी। उस दौरान भी, क्योंकि एक दिन पहले कल भी इनके खिलाफ एक जो वीडियो वायरल होने के बाद में यातायात विभाग ने एक चालान इनके खिलाफ किया, बाइक में बिना हेलमेट के बाइक चलाने में इनका चालान किया था। कल इन्होंने फिर बाइक चलाई और बाइक चलाई, पहली चीज तो इन्होंने बिना हेलमेट के गाड़ी चलाई। इसके अलावा एक बड़ी चीज जो सामने निकल करके आई है, बाइक पर एक फर्जी नंबर पड़ा हुआ था। जब इस नंबर की तफ्तीश की गई तो ये नंबर उन्नाव के किसी प्रमोद का निकला है, जो कि प्रमोद का यह कहना है कि 8 दिन करीबन कई महीने पहले इस गाड़ी को वो बेच चुके हैं, लेकिन ये गाड़ी माल रोड में किसी व्यक्ति को बेची गई थी। लेकिन उस नंबर इस गाड़ी में कैसे यूज किया जा रहा है, इसकी उनको जानकारी नहीं है। फिलहाल जो यातायात विभाग है, जो DCC है संकल्प शर्मा, उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। अभी एक चालान किया गया था, उसके बाद फिर एक चालान किया गया और उनका कहना है कि अभी जो नंबर फर्जी नंबर प्लेट लगा करके गाड़ी चलाई जा रही थी, इस मामले को लेकर के वरुण धवन को जल्दी नोटिस जारी किया जाएगा और उसमें जो भी होगी इनके खिलाफ मामले की जांच भी कराई जाएगी। यदि दोषी होते हैं तो उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी वरुण धवन की मुश्किलें बढ़ सकते हैं। शुक्रिया सुनील से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने काटा बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन का चालान और ये तस्वीरें आप देखिए, ये शूटिंग के दौरान की तस्वीरें हैं। लेकिन बिना हेलमेट बाइक चलाने के आरोप में अब चालान यहाँ पर काटा गया है और ये अहम खबर कानपुर से है।